बीते कुछ दिनों से राजधानी दून में जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश के चलते तमाम मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम और पुलिस के साथ साथ संबंधित विभागों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। इन दिनों शहर में अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों पर है, लेकिन देखा जा रहा है कि व्यापारी अतिक्रमण हटाए जाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं और चंद घंटों बाद ही अपने सामान और प्रतिष्ठानों को फिर से उसी जगह लाकर खड़ा कर दे रहे हैं जहां से अतिक्रमण हटाया गया था। ऐसे में जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि तमाम व्यापारियों से अपील है कि दोबारा से शहर में अनावश्यक अतिक्रमण ना किया जाए, अन्यथा आपके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। देखिए संवाददाता गिरीश सिंह की रिपोर्ट। देखा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने के बाद भी जो है व्यापारी मानने को तैयार है। जो ये चीज अतिक्रमण जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है हटाने की जो है, और ये बार बार हम उसी जगह पे भी जा रहे हैं जहां हमने पहले हटाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि लोग बार बार वहां पे फुटपाथ पे अपना सामान रख दे रहे हैं। तो मेरी तो अपील ही रहेगी सभी से कि हम लोग जो अपना ये अतिक्रमण का अभियान चला रहा है उसे चला रखा है, उसको सक्सेसफुल बनाने में हमारा सपोर्ट करें और पेडेस्ट्रियन के लिए जो फुटपाथ है उसको खाली रखें जिससे पेडेस्ट्रियन कंफर्टेबली उस पर चल पाए, और साथ ही साथ क्योंकि सब लोग अभी पेनल्टी लग रही है उसके बाद कोई विधिक कार्यवाही करनी पड़े, तो मुझे लगता है ये सब म्यूचुअल एक एमिकेबली ये हो जाए कि सब लोग अपना जो फुटपाथ पे सामान है उसको हटा दें।